प्राथमिक विद्यालय है मिड डे मील बनाते समय आग लगने से हड़कंप 6 झुलसे। बरेली के सीवीगंज स्थित तिलैयापुर में प्राथमिक विद्यालय में आज मिड डे मील बनाते समय अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से प्रधानाचार्य शिक्षा मित्र 3 बच्चे सहित 6 झुलस गए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। यही प्राथमिक विद्यालय जिसमें आज मिड डे मील बनाते समय आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल जिस वक्त स्कूल की रसोई में मिड डे मील बन रहा था, उस दौरान सिलेंडर लीकेज होने लगा, आग लग गई। आग ले कुछ पलों में विकराल रूप ले लिया। किसी तरह प्रधानाचार्य और शिक्षा मित्र ने आग को बुझाया और सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला। लेकिन उस दौरान 3 बच्चे भोली, माहिरा, मुस्कान, प्रदाचार्य नरगिस, परवीन, शिक्षा मित्र राजीव, रसोईया कमरेश सहित 6 झुलस गए। मेरा नाम आलोक है जी। आप यहाँ क्या है? मैं यहाँ पे टीचर हूँ। अच्छा, कैसे करें, क्या हुआ? बच्चों का खाना बन रहा था तो पाइप में लीकेज की वजह से आग लगी थी, तो तुरंत तो जो विद्यालय में अग्निशमन था उससे आग को बुझाने का प्रयास भी किया गया, बच्चों को निकाला गया जी। और इस हादसे में स्कूल की जो हेड हैं और एक टीचर थे वो झुलस गए थे थोड़ा सा। क्या नाम उनका? हेड हैं श्रीमती नरगिस परवीन और जो शिक्षा मित्र थे वो श्री राजीव कुमार। अच्छा, वो झुलस गई हैं। हाँ। और बच्चे? बच्चों के ऐसे कुछ नहीं, 2 बच्चे की थोड़ी सी लपट लगी थी और ऐसे कोई सीरियस कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। डीएम साहब, ये जानना चाहेंगे प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की जान बचाने के सिलसिले में कुछ टीचर वगैरह खाले, क्या मामला है? नहीं, आज की जो घटना हुई थी उसमें जो लोग भी घायल हैं बच्चे उनका इलाज कराया जा रहा है, ईशान हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभी बेसिक शिक्षा अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट वहाँ गए हुए हैं और ये जानकारी मिली है कि अध्यापकों ने मौके पर एक सराहनीय कार्य किया है। भविष्य में हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर इस तरह का मुकम्मल इंतजाम हो कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये प्रातः 9 बजे मध्यान्ह भोजन बनाते समय रसोई घर में सिलेंडर के पाइप में लीकेज हो गई थी, जिसकी वजह से आग लग गई थी और प्रधान अध्यापिका नरगिस परवीन और शिक्षा मित्र संजीव कुमार मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने तत्काल वहां पर कार्रवाई कराई है, जिसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई। यह आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। सर, जिन्होंने जान बचाई है इनके बहादुरी का कारण है, इनको किसी तरह पुरस्कृत किया गया? देखिए, इस पर पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर विचार करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। NG News से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।